काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? तो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं। और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाट बाट और नमूद नुमाइश में कहीं अच्छे थे।